नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आइए आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। और वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। और वहीं मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रियंका ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है। और वहीं आपको बता दें कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के निचले आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं, उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है, आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने तीन काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूं। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।
और वहीं आपने सुना कि प्रियंका गांधी सरकार से सवाल कर रही थी और फैसले का स्वागत भी किया, और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलकर मरने वाले किसानों के परिवार को भी न्याय मिले। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि सरकार ने नए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया, जिसे लेकर पिछले साल से किसान प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की थी। और वहीं इसको लेकर प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कानून जो वापसी लिए उसका स्वागत किया और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है। और वहीं जनता से भी उन्होंने पीएम मोदी ने माफी मांगी थी। और वहीं प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसाकांड में जो किसान मारे गए थे उन्हें न्याय मिले और उन्हें आर्थिक मदद मिले उसकी भी मांग की है। और वहीं बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले कुछ दिनों के लिए अपने पद की पावर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंपेंगे। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनीस्थिया लेने वाले हैं, जिसके चलते वो अपनी पद की पावर कुछ समय के लिए कमला हैरिस को सौंपेंगे। और व्हाइट हाउस की ओर से इस जानकारी को साझा किया गया था और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि शुक्रवार को जो बाइडेन कमला हैरिस को अपनी पावर सौंप देंगे। और उन्होंने आगे कहा कि वो अपनी बाइडेन अपने इलाज के लिए एनीस्थीसिया लेंगे और वहीं एनीस्थीसिया के प्रभाव से बाहर आने तक कमला हैरिस के पास राष्ट्रपति पद की ताकतें रहेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति बाइडेन और कमला हैरिस के बीच टकरार की बातें सामने आई थी और हैरिस के स्टाफ के मुताबिक उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था। और वहीं बाइडेन की टीम का कहना था कि हैरिस अमेरिका की जनता के साथ खेल रही। और वहीं बीते महीनों में बाइडेन के मुकाबले हैरिस की अप्रूवल रेटिंग भी बेहद गिरी थी और ऐसे में बातें सामने आ रही थी कि हैरिस को उपराष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अब बाइडेन की कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो उपराष्ट्रपति को सौंपी जाएगी।